तो मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो सिंघवा खास का ये खास कंपटीशन जो कि मुर्रा एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये जो रिंग में आप जिस कैटेगरी में जो ये बुल फाइट करेंगे वो है खीरी कैटेगरी में, दैट इज इनके बछड़े वाले जो दांत हैं, कटड़े वाले जो दांत हैं वो नहीं टूटे हैं, पूरे व्यस्त नहीं हुए हैं, अभी ये दो दांत भी नहीं निकाले हैं। तो ये देख सकते हैं खीरी कैटेगरी में ये जो बुल हैं ये फाइट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं रिंग के अंदर के जो बुल हैं वो सभी अपनी अपनी पोजिशन ले ली है और जजिस की टीम यहाँ पर तैयार हो गई है, इनको इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो अंक हैं उनमें इनको खरा उतारने के लिए। तो ये देख सकते हैं रिंग पूरा खचाखच खीरी जोटों से यहाँ पर भरा हुआ, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार। ये देख सकते हैं बुल पशु प्रेमी जो हैं ये अपने अपने जानवरों के साथ पूरी आस लगा करके इस कंपटीशन में आए हुए हैं। देख सकते हैं काफी अच्छे यहाँ पर बुल पशुपालक भाई इस कंपटीशन में, सिंघवा गांव के इस कंपटीशन में आकर इसके चार चांद लगा रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा एसोसिएशन द्वारा ये जो कंपटीशन यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं ली गई है। और ये देख सकते हैं फिर भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, रिंग से अंदर जो अननेसेसरी जो भीड़ है उनको नहीं आने दिया गया। ये देख सकते हैं हरियाणा एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, एक बार हाथ लाइए सर, बहुत ही शानदार। तो ये देख सकते हैं डॉक्टर अशोक सर, जसवंत सर हमारे जो गिन्नी बफलों के लिए काफ़ी मशहूर हैं और बहुत ही शानदार जजिस की टीम यहाँ पर बैठी है। ईश्वर सर को हम रिंग के अंदर देख सकते हैं, तो ये काफी अच्छा यहाँ पर सर, ये देखिए ईश्वर सर हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं मुर्रा एसोसिएशन के, काफी इन्होंने मेहनत की है, काफी दिनों की मेहनत यहाँ पर उनकी रंग लाते हुए। ये देख सकते हैं सिंघवा गांव का बहुत ही शानदार कॉम्पिटिशन, खीरी दांत में खीरी कैटेगरी में ये बुल का कॉम्पिटिशन है। जजिस की टीम अभी जल्दी ही इनमें से जो विनर जो पशु हैं उनको सेलेक्ट कर देगी। तो सिंघवा खास के इस खास कंपटीशन में देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जजिस की जो टीम है उन्होंने यहां पर काफी बुल्स को बाहर कर दिया गया है और जो शॉर्टलिस्टेड बुल्स हैं उनको एक साथ यहां पर एकत्रित किया जा रहा है ताकि उनकी हाइट और जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको साथ साथ खड़ा करके कंपेयर कर लें। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर कॉम्पिटिशन सिंघवा खास में, ये जो खीरी झोटे हैं जो बछड़े वाले जिनके दांत नहीं टूटे हैं उस कैटेगरी के ये बुल हैं, देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन सिंघवा खास का, अपने मालिक का नाम यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार बुल को एक साथ खड़ा करके उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उनकी विशेषताओं को यहाँ पर चेक कर रहे हैं जजिस की टीम। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर कटड़े हैं, कांटे की टक्कर है इसलिए एक साथ खड़े करके उनकी जो विशेषताएं हैं उनको देखा जा रहा है, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड और थर्ड उनको पोजिशन दे दी जाएंगी। तो देख सकते हैं जजिस काफी मेहनत से लगे हुए हैं, खीरे कैटेगरी में ये तीन बुल यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्राइजेस के लिए। देख सकते हैं ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर बुल खीरे कैटेगरी में सिंघवा गांव के इस कंपटीशन में जो कि हरियाणा एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर ये देख सकते हैं दांत चेक करते हुए डॉक्टर्स कि वाकई में ये खीरे हैं या इनके व्यस्त कोई दांत निकलाए हैं। तो ये यहाँ पर सारी कैरेक्टरिस्टिक सारी विशेषताओं को यहाँ पर बुलों की चेक किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं जो महानुभाव हमारे यहाँ पर दर्शक महानुभाव हैं काफी एक्साइटेड हैं बुलों को टच करके, बुलों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने के चक्कर में इनके काफी पास आ चुके हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है सिंघवा। तो ये तीन बुल हम देख सकते हैं जजिस की टीम ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, काफी अच्छे मुर्रा नस्ल के खीरी कैटेगरी में ये बुल फाइट कर रहे हैं। देख सकते हैं अब ये देखना रोमांचक होगा कि इसमें से फर्स्ट सेकंड और थर्ड जजिस किन को देते हैं। तो खचाखच भरे इस रिंग में से कुछ चुनिंदा यहाँ पर बुल सेलेक्ट कर लिए गए हैं जजिस की टीम के द्वारा जिसमें सारी विशेषताएं हैं। जजिस का कहना है कि कटड़ी अगर गलत चयन हो जाए तो चल जाता है, लेकिन बुल क्योंकि आगे चलकर काफी काफ का सुधार करता है तो उसका चयन गलत कतई नहीं होना चाहिए।
चाहिए, तो ये देख सकते हैं मुर्रा नस्ल के खीरी कैटेगरी में ये जो बुल है ये इनका शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है इन बुलों को। इन्हीं में से अब देखना होगा कि कौन सा बुल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजिशन लेकर के अपना मालिक का और अपना नाम रोशन करता है। तो ये देख सकते हैं 204 नंबर जो बुल है उसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर रेड रिबन के साथ हम देख सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये बुल इसका पहली पोजीशन देकर इसका सम्मान करते हुए हम देख सकते हैं कुक्कू जी को, जो कि लाल रिबन इसके माथे पर बांध रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर सिंघवा गांव का ये कॉम्पिटिशन, जजेज ने काफी जद्दोजहद के बाद अपने तीन जो चैंपियन बुल है, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन के जो बुल है उनका चयन कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार, नाम बताइए सर। परवीन सर का ये बुल है, कहाँ से आया सर? सकलूलपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से सर, इतनी दूर से अपने बुल को लेकर आए हैं। वो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार मुर्रा नस्ल का यहाँ पर बुल। सेकंड पोजीशन हम देख सकते हैं हरे रंग का ये रिबन हम इसके माथे पर, मालिक साहब से हम मिलाते हैं। सर नाम बताइए। सतीश कुमार सर हैं जींद से, उनके इस काफ ने, किसका बेटा है सर ये? युवराज का जो बेटा है वो देख सकते हैं बहुत ही शानदार। तीसरी पोजीशन हम देख सकते हैं बहुत ही शानदार, सर नाम बताइए। रामलाल गंदी खेड़ी रोहतक डिस्ट्रिक्ट से देख सकते हैं बहुत ही शानदार मुर्रा नस्ल का ये जोटा तीसरी पोजीशन के साथ अपने मालिक का नाम यहाँ पर गौरवान्वित किया सिंघवा खास के इस कंपटीशन में। ये हम देख सकते हैं चौथी पोजीशन इस बुल की, सर से मैं नाम जानना चाहूंगा। अकबर है और आपका नाम? हीरा लाल। कहाँ से आए सर? डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रुझान, किसका बेटा है? अर्जुन बुल का यहाँ पर बेटा है ये। और एक और बुल देख सकते हैं बहुत ही शानदार, चौथी पोजीशन पे इस बुल को भी रखा गया है। क्या नाम है मालिक साहब? नसीब सर हैं जो कि हिसार से हैं सर। बहुत ही अच्छा, देसी गाय भी बहुत अच्छी रखते हैं, चैंपियन देसी गाय सर के पास है ये चौथी पोजीशन पर। किसका बेटा है सर ये? युवराज का यहाँ पर बेटा। एक और देख सकते हैं बहुत ही शानदार, चौथी पोजीशन पे एक और कचड़ा है, मालिक का नाम संदीप। कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट बताइए, किसका बेटा है सर ये? यूनिवर्सिटी से बीज लिया था। तो सर ने बताया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी? HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इसका सीमन लेकर के इसकी माँ का गर्भ धारण करवाया था। और ये चौथी पोजीशन पर देख सकते हैं सिंघवा खास में ये बुल, हम बहुत ही शानदार बुल। तो सिंघवा खास की ये जो कैटेगरी है खीरी नस्ल की, उसका प्राइजेस बता दिए गए हैं, विनर बता दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार सर की मूछें देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बुल उन्होंने बहुत ही जोर लगाकर ये तैयार किया है। तो ये खीरी कैटेगरी का हम देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर कंपटीशन सिंघवा गांव के, जो कि हरियाणा